शहर में सफाई व्यवस्था की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी मुझे, तो आज मेरे द्वारा जो प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय और ईओ के साथ लेकर के पूरे शहर का भ्रमण किया गया है। मेरे द्वारा जगह जगह गंदगी पाई गई है, जैसे आर कन्या इंटर कॉलेज के पास पाई गई है और GGIC के पास पाई गई है, बहुत जगह प्लास्टिक पाई गई है, नालों में भी नाले जाम हैं। इसकी सफाई व्यवस्था के मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पूरा शहर स्वस्थ रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। मेरे द्वारा ईओ को निर्देश दिया गया है कि पूरा अभियान चला करके और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं पूरी उनकी टीम बना के 25 जो वार्ड हैं, 25 वार्ड में कम से कम 25 जो है सफाई कर्मचारी लगा करके और एक हफ्ते तक लगातार सफाई व्यवस्था कराई जाए ताकि पूरा शहर साफ हो जाए और प्लास्टिक मुक्त हो जाए। अन्यथा की स्थिति में जो ईओ साहब हैं यहाँ के नगरपालिका के ईओ साहब, ये पूर्ण तरह से दोषी माने जाएंगे, इनके विरुद्ध शासन को लिखा जाएगा। वो सड़क पे ही जिसपे जो पैदल यात्री चलते हैं उस पर इन लोगों ने लोहे के खंभे डाल करके अपने कांटे लगा रही हैं। ये जगह मैंने तो खुद ही अपने सामने जो कांटा उसका कटवाया है, आरी से कटवा दिया है, और लोग इससे सभी लोग और लोग जितने लोग लगा रखे हैं उससे लोग सावधान हो जाए कि कोई भी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा, जो अतिक्रमण करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।